तो भाई ये अपना इधर है, जरा क्या कहते हैं मार्केट है वगैरह सप्लीमेंट्स की, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, फुल मार्केट है। हल्का सा एक वो आप ले लें शोल्डर का, बहुत जरूरी। हाँ पहले करेंगे वार्म अप, शोल्डर की इंजरी बहुत खतरनाक है तो भाई वॉक जरूर लें 10 से 15 मिनट, जैसे कि मेरे भैया के तो अभी रखी है। कितने रेपिटेशन लिया भैया? पहले वार्म अप कर लो, अच्छे से वार्म अप के बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। कम से कम 20 से 25 रेपिटेशन पहले सेट में, लाइट मारो शोल्डर में सबसे बेस्ट है, हैवी मारने की जरूरत नहीं, हल्की सी इंजरी भी दिक्कत दे सकती है शोल्डर की। कितने रेपिटेशन मारो? 10-12। बारह हो गए। ये हमारी मेन एक्सरसाइज है शोल्डर की, मेन एक्सरसाइज मिलिट्री प्रेस फ्रंट, एक अच्छा पंप अगर आप चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट में लगा, स्टार्टिंग में लगा फ्रंट ही ज्यादा चल रहा है, सेकंड मसल जो है वो साइड डेल्ट चल रही है। तो 5-5 10 किलो, हाँ 5 किलो और बढ़ाओ। चलो बढ़िया, कैसी एक्सरसाइज है? जबरदस्त। निकालो निकालो भाई, 10 किलो निकाल दे कटप्पा। चलो
बहुत बढ़िया सेल्फ। आओ एक और आ जाएगा, आकाश एक निकलवा देना, रोक छोड़ मर गया भाई। सबके लिए एक सूचना भी है, तुम वर्कआउट कर लो तो अपने डंबल प्लेट सब हटाया करो यार, ठीक है? तुम इनसे वर्कआउट करते हो और नहीं रैक नहीं करते फिर, जो कि बहुत गलत। तो भाई फ्रंट और साइड डंबल रीज 10 रेपिटेशन लगाएंगे, 10 फ्रंट 10 साइड। कितना? इसके बाद दूसरा सेट 7.5 किलो। रेस्ट ले लो, हाँ तीसरा सेट 8+ ड्रॉप। छह पांच एट 5-5 सब सही। भाई वाटर इंटेक अच्छा रखो अपना, बैक ही मार रहे अपने को लेना है रो फ्रंट रेज, उसके साथ साथ शोल्डर पंप। तो भाई पहला सेट जो है अपना भाई ऐसे ही फ्रंट रो स्टार्ट होगा, हम 4 प्लेट से स्टार्ट करेंगे। तो भाई बहुत लोग क्या करते हैं बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, ऐसे यहीं से लाना है, यहीं होल्ड करा वापस पुल कर लिया, ठीक है भाई मसल को फ्री नहीं होने देना बिल्कुल भी। इसका कोई ड्रॉप थोड़ी मारू नहीं,
8 रैप बहुत, 12 से 15 फेलियर मार दे, 12 तक लगा दे, 12 भाई 12 रहे, महाभारत हो गया। हाँ कोई नहीं अभिया, नेक्स्ट तो अब हम थोड़ी सी बात कटप्पा से करेंगे। तुम्हारे कटप्पा भाई कौन से अच्छे दबार रहे हैं, तो पंप दिखाओ कुछ हल्का सा गाइस। है सेट तार के और क्या है, ऐसे तबियत दिखेगा कुछ है भाई। कटप्पा ने मार दिया चेस्ट, मारो फ्लैक्स तगड़ा सा भाई। कहीं बताओ कितने का आया है भाई साहब का मिनट में, 15, 16, 17 भैया का 17 कुछ है भाई। और आपका कितना है, और हमारा 16, 16.5 तो ये आ चुके हैं हमारे यहाँ पे गहलोत साहब के जो वो है भैया तो नाश ही कर रहे हैं, मुझे लग रहा 30 किलो का डंबल। गहलोत सर के स्टूडेंट, हाँ ये हमारे यहाँ गहलोत के स्टूडेंट हैं जो कि अभी 1 साल की फीस भर के आए उन्हें और पूरे मजे ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बनी है तो पैसे की कोई कमी है ही नहीं, तो कमी तेरे पे भी नहीं है भाई, दोनों की है भैया के भी मेरे। तो भाई दूसरा सेट जो है हम 7.5 के से लेंगे, शोल्डर की इंजरी खतरनाक हो जाती है, उसे लाइट वेट ही सही है ठीक है। तो जो नए नए लोंडे आते हैं उठाते हैं 10 किलो का 15 किलो का डंबल, गलत है। 5 महीने तो मुझे हो गए और भैया को तो पता नहीं कितने महीने हो गए शोल्डर की इंजरी लेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई जरा पंप चेक करा दो एक बार इधर को, शोल्डर आ रहा तगड़ा एक नंबर। तो भाई शेर अब खारा भाई मार देगा 12 रेपिटेशन। अब फोकस, अब देखो तुम फोकस देखो, ट्रैप मसल भी वर्क करती है, सेकेंडरी मसल जो है ट्रैप मसल है। ये वाली तो हो गई, अब वीरेज दिया और एक्सप्लेन कर रहे हैं भैया, सुनते रहना भैया बताएंगे तुम्हें। हमें खाली नी को अप करना है, फोर आर्म्स को और कलाई का कोई जोर नहीं डालना है, कोई प्रेशर नहीं करना,
बिल्कुल लूज छोड़ दोगे, फोरआर्म्स को, कलाई को और खाली नी को आप करोगे, और पूरा जो तुम्हारा जो है रियर डेल्ट उस पर इफेक्ट आना चाहिए। 4-5 लगाने के बाद खुद फील आने लगता है कि आपका रियर डेल्ट अच्छे तरीके से चल रहा है। तब भी स्कूटी में तब भी और महीने तो भाई ये लग रहा है ड्रॉप से तक में, ठीक है। रियल डेल्टा वो दिखेगा जहाँ तक है, मैं सोच रहा हूँ, मैंने इसलिए थोड़ा कैमरा पास है। और भैया दो फोकस डाल लेंगे, ज्यादा अंदर मत जाओ, चलो 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 पूरा रियर डेल्ट से उठाओ, ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया आ रहा, चलो चलो फेलियर तो खींच निकल करो, चलो ड्रॉप कर दो, चलो 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 5 और चलो चलो 2 और 1 और हो चलो थोड़ा रेस्ट के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट कौन सी? बेंट ओवर रिवर्स साइड केबल रेज, ठीक। हालांकि हम इसे इंक्लाइन बेंच पर लगा चुके हैं, लेकिन हम क्या कर बेंट ओवर केबल भी लगाना चाहते हैं मैसिव पंप के लिए और बढ़िया अच्छा क्या कर इम्प्रूवमेंट के लिए। मैंने शुरू कर दी, सानू लोड नहीं इसमें गलती है भाई, ओनली एक लड़के उठा लेते हैं बैक, जो कि है बहुत गलत। बैक नहीं उठनी चाहिए ना इसमें, बैक नहीं उठनी चाहिए ना, बैक जो बैक है बैक नहीं उठनी चाहिए ना, बैक नीचे रहेगी ना, उठने नहीं चाहिए ज्यादा, सब ढीला छोड़ के खाली कंसंट्रेशन इस पे करोगे, सब ढीली में से छोड़ दो, हो किस मामले में डिस्कशन चल रहा है? वंस या घर से लाया नहीं, तो बस फिर ठीक रख दे, रख दे। और आप जैसे कि देख सकते हैं कटप्पा के फिजिक हमारे क्या कहना चाहेंगे, लाइक शेयर कमेंट फॉलो इन दिस वाइब से चिकागो बस, ठीक है। फुल मेहनत चल रही है, फुल ऐसे बड़े-बड़े जय बप्पा। Yeah.
सेट लेंगे भैया। चलो प्रियर गेट आ गया था। लास्ट एक्सरसाइज हमारी फेस पुल, इसे हम बैठ कर परफॉर्म करेंगे। इसमें ग्रिप को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और रोप को जो है फेस के सामने लेके आएंगे, अपने फोरहेड के सामने, और ज़्यादा अप ना करें। शोल्डर को थोड़ा नीचे ही रखेंगे और पूरा फोकस जो है अपना रियर डेल्ट के ऊपर रखेंगे, वहां से ही पूरी मसल से अपना वेट पूरा खींचेंगे जो भी वेट लगा हुआ है। जितना आप इस पर कंसंट्रेशन बनाएंगे उतना इफेक्ट ज्यादा आएगा, ये कंसंट्रेशन वर्कआउट है। तो रियर में फर्क सा लग रहा हो कुछ? पंप आ रहा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा। तो गाइस अपना इम्प्रूवमेंट अच्छा ही रहेगा ऑलवेज। तो भाई ये वाला वर्कआउट हुआ कंप्लीट, अब करेंगे एब्स। एब्स की पूरी तैयारी चल रही है, ये अंदर किया जाए और एब्स लाए जाए। एब्स आ जाएंगे इस बार तगड़े, मेरे भी लाने इस बार अलग अलग। चलो तो लास्ट सेट रहेगा, मार लेते हैं और फिर करते हैं एब्स। बजरंग बल्ली की कृपा से तगड़ा शरीर बन रहा भाई, भैया का भी और हमारे। तो एब्स का वर्कआउट कर दिया, स्टार्ट हुई है ना। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा लेग रेज, फ्रंट लेग रेज अपनी पहली एक्सरसाइज होगी। बाल तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, गुजिया खाओ सेहत बनाओ। ठीक है भाई, सब भाई गुजिया खा खा के बना रखा हमने शरीर। ये गुंजिया में वे प्रोटीन डालते हैं गाइस, ठीक है? कुछ तो कुछ एक स्कूप एक गुंजिया में 24 ग्राम प्रोटीन पेट का। अपनी लेग रेज लेग लेग रेज इसके भी लेंगे हम 3 से 4 सेट। तो इसमें जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है पैर, आप देख रहे हो भैया के पैर 90 डिग्री एंगल से हो रहे हैं हल्के से, बिल्कुल सीधे नहीं रखने पैर। इस तरीके से पैर की जो है मूवमेंट आएगी तुम्हारे, ठीक है भाई? और इफेक्ट देखना बहुत तगड़ा मिलेगा। जो लोग पैर बिल्कुल सीधे कर लेते हैं वो बहुत गलत है, ये होना चाहिए 90 डिग्री। जो पैर की पोजिशन थी वो कुछ इस तरीके से, और जो ये करते हैं बच्चे ऐसे करके पैर सीधे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट सारा इसमें ही डायनेमिक एडिटिंग आया है। जब हमारे डीएस टीम में कैसे लगा हुआ डायनेमिक एडिटिंग आया है। दो एक्सरसाइज के बाद पंप एप्स में कौन सा है फोन इसका है वो इसका। गाइस वर्कआउट जो है बिल्कुल खत्म होने के तदार पे आ चुका है और हम भी खत्म होने के तदार पे हैं। मेरे बस में नहीं है, एप्स के 2-3 एक्सरसाइज हुई है, बस 2 ही हुई है। सो गाइस
आप देख सकते हैं भाई साहब आपके ना दिख रहे भैया मेरे कहाँ दिख जाएंगे क्या क्या भैया वहाँ 18 17 18 का भाई साहब बोलियो अभी 16 का ही है दिखेगा कहाँ बहुत अंतर है भाई कोई नहीं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर देंगे नेचुरल है भी तो नेचुरल उस दिन सिस्टम पार देंगे तो दोस्तों वर्कआउट हो गया चुका हमारा कंप्लीट अब हम पियेंगे प्रोटीन मैं तो पी गया पहले प्रोटीन अपना टाइम से ले लें मैं तो लपेट ज्यादा वेट ना करें और बहुत ही मजा आया तो ऐसे ही रोज आपके साथ एक वर्कआउट शेयर होता रहेगा रोज परमानेंट चलते रहेगा वर्कआउट के साथ साथ डाइट वाइट जी बच्चों को चाहिए हो वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताया ना भैया डाइट ही बना देंगे भाई जो भी आप रूटीन फॉलो करें तब तक 2 महीने के लिए करें ये नहीं क्या करो कि वो हर हफ्ते हर वीक आप उसको नया चेंज कर रहे हैं इस बार हमने शोल्डर का कुछ वर्कआउट लिया अगली बार हम शोल्डर का कुछ और वर्कआउट ले रहे हैं उससे नेक्स्ट टाइम अलग ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है आप किसी भी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो लगभग 2 से 2.5 महीने उसे फॉलो करते रहें तभी आप पे एक अच्छा इफेक्ट आएगा और 2-2.5 महीने बाद उस वर्कआउट को चेंज कर दें उसे कंटिन्यू भी ना रखें क्योंकि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो चुकी होगी इस वर्कआउट को करने की तो आपको उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगी मसल्स स्टिफ होती हैं तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है सो ठीक है गाइस मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में सी यू बाय थैंक यू